Hello friends, I'm Susanta. Welcome you all to class 10 geography chapter number 4. We are about the end part of the chapter, so let's start. Today we'll start from page number 48. Okay, so here it is given, impact of globalization on agriculture. Iska matlab hai वैश्वीकरण का कृषि पर प्रभाव. वैश्वीकरण कोई नई घटना नहीं है. उपनिवेश काल में ये भी यही स्थिति मौजूद थी. जो है 19th century, इसमें जब यूरोपीय व्यापारी भारत आए तो उस समय भी भारतीय मसाले विश्व के विभिन्न देशों में निर्यात किए जाते थे और दक्षिण भारत में किसानों को इन फसलों को उगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था. आज भी गर्म मसाले भारत से निर्यात किए जाने वाली मुख्य वस्तुओं में शामिल है. ब्रिटिश काल में अंग्रेज व्यापारी भारत के कपास क्षेत्र की और आकर्षित हुए और भारतीय जो कपास को ब्रिटेन में सूती वस्त्र उद्योग के लिए कच्चे माल के रूप में निर्यात किया गया. जो हम कहते हैं मैनचेस्टर और लिवरपूल में जो सूती वस्त्र उद्योग भारत में पैदा होने वाली उत्तम किस्म की कपास की उपलब्धता इस पर फली फूली. अपने 1917 में बिहार में हुई चंपारण आंदोलन के बारे में पढ़ा होगा. चंपारण मूवमेंट वो व्हिच वाज कनेक्टेड बाय गांधी जी ना. इसकी शुरुआत इसलिए हुई कि इस क्षेत्र के किसानों पर नील की खेती करने के लिए दबाव डाला गया. नील इसका मतलब इंडिगो. नील ब्रिटेन के सूती वस्त्र उद्योग के लिए कच्चा माल था. ये किसान इसलिए भड़के क्योंकि उन्हें अपने उपभोग के लिए अनाज उगाने से मना कर दिया गया था. अनाज नहीं होगा तो खाएंगे क्या. 1990 के बाद वैश्वीकरण के तहत भारतीय किसानों को कई नई चुनौतियां और जो चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा, जैसे कि चावल, कपास, रबड़, चाय, कॉफ़ी, जूट और मसालों का मुख्य उत्पादक होने के बावजूद भारतीय कृषि विश्व के विकसित देशों से स्पर्धा करने में असमर्थ है क्योंकि उन देशों में कृषि को अत्यधिक सहायिकी दी जाती है तो उन लोगों का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा. तो आज भारतीय कृषि दो राह है भारतीय कृषि को सक्षम और लाभदायक बनाने हैं. बनाना तो जरूरी है. तो सीमांत और छोटे किसानों की स्थिति सुधारने पर जोर देना होगा. हरित क्रांति ने लंबा चौड़ा वायदा किया परंतु आज यह कई विवादों से घेरी है. यह आरोप लगाया जाता रहा कि हरित क्रांति के दौरान रसायनों के अधिक प्रयोग, जलभूतों के सूखने और जैव विविधता विलुप्त होने के कारण भूमि का निम्नीकरण हुआ है. आज जिन क्रांति जो हम कहते हैं संकेत शब्द है जिसमें जननिक इंजीनियरिंग वो सम्मिलित हैं. वास्तव में कार्बनिक हम जिसको कहते हैं ऑर्गेनिक कृषि का आज अधिक प्रचलन है क्योंकि यह उर्वरकों तथा कीटनाशकों जैसे कारखाने में निर्मित रसायनों के बिना की जाती है. इसलिए पर्यावरण पर इसका नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता. कुछ अर्थशास्त्रियों का यह भी मानना है कि बढ़ती जनसंख्या के कारण घटने आकार के जो जोतों इस पर यदि खाद्यान्नों की खेती ही होती रही तो भारतीय किसानों का भविष्य
अंधकारमय है। भारत में लगभग 60 करोड़ लोग लगभग 25 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर निर्भर हैं। इस प्रकार एक व्यक्ति के हिस्से में औसतन आधा हेक्टेयर से भी कम कृषि भूमि आती है। भारतीय किसानों को हम कहते हैं सस्यावर्तन करना चाहिए और खाद्यान्नों के स्थान पर कीमती फसलें उगानी चाहिए। इससे आमदनी अधिक होगी और इसके साथ पर्यावरण निम्नीकरण में कमी आएगी। फलों, औषधीय पौधों, बायोडीजल फसलों, जिसका हम कहते हैं जट्रोफा और जोजोबा, फूलों और सब्जियों को उगाने के लिए चावल या गन्ने से बहुत कम सिंचाई की आवश्यकता है। भारत में जलवायु विविधता का विभिन्न प्रकार की कीमती फसलें उगाकर उपयोग किया जा सकता है। सो डियर फ्रेंड्स, दिस मच इज फॉर द डे। वंस अगेन वील मीट इन द नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टेक केयर ऑफ योर स्टडीज। थैंक यू।